जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई अजीत राय। अगर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जहां सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता अजीत राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कई ग्रामीण गाँव में पदयात्रा निकालकर कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराया और वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगा पाने को लेकर नारेबाजी। देखिए हमारी पदयात्रा बाजार गोसाई बनकटा बनावे खैरगाड़ भूपतपुर बातन अजूबा बहावन बहावनपुर इटैली आदि सहित दर्जनों गांव में जाकर कार्यकर्ताओं ने लोगों से मुलाकात कर और पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजीत राय ने कहा, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई आई है। आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आम जनता भाजपा सरकार में परेशान है और सरकार महंगाई को नियंत्रण करने में पूरी तरीके से विफल है। देश के गरीब किसान परेशान है, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता परेशान होकर सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रही है। बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई ठोस विकल्प नहीं है, इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी गरीबों और आम जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा गंभीर रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव नजर आएगा। कार्यक्रम का संचालन सुदर्शन यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता सुदर्शन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद जायसवाल, पवारी चौहान, नवनीत राय आदि सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़।